700 मीटर अवे है, दिस इज कॉल्ड द टप्पल, नियर टू टप्पल थाना, ऑलरेडी ब्लैक डाबर रोड है, पब्लिक कन्वेंस यहाँ पर आती है। टप्पल थाने से की जगह आप टप्पल बस स्टॉप से शेयरिंग ऑटो ले लीजिए, 10 रुपए लेते हैं और वो जो है शेयरिंग ऑटो में आपको प्रोजेक्ट के पास छोड़ देते हैं। ये रोड कितने फुट का है सर? अभी ये जो रोड है दैट इज एक्चुअली 30 फीट, बट इन फ्यूचर ये जो है 100 फीट के ऊपर ये वाला रोड है, मेन रोड है ये 100 फीट का। तो जो अपनी साइट है वो साइट कहाँ पड़ती है? साइट जो है ये अपना एक्सप्रेस वे से 750 मीटर्स। यानी कि पॉलिसी फॉलो करते हैं आप? यस वेरी डेफिनेटली। अभी जब प्रोजेक्ट पे चलेंगे तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि सारी डाबर की रोड वगैरह लॉक एंड टेल्स वगैरह ऑलरेडी ओवर देयर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग इन प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, आज आपको लाए हैं बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बहुत ही प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स, जहां आपको मिलता है रजिस्ट्री एंड मोटेशन जस्ट यमुना एक्सप्रेस वे से 750 मीटर के दायरे में। दोस्तों, आपको मिलता है ये हमारे प्लॉट का साइट, आइए देखते हैं पूरा वीडियो। तो दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स गॉड का और आपका दोस्तों, जो आपने दिया है बड़ा प्यार फ्रेंड हमारे वीडियो को। तो इसीलिए आपको लाओ में वो शानदार जानदार जबरदस्त और ही प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स करते हैं बात। आइए सर से। सर नमस्कार। हेलो सर, हाउ आर यू? सर बढ़िया। सर बताइए, व्हाट्स योर गुड नेम? यह मैसूर शहजाद बादशाह, यू नो अर्लियर आल्सो। या एंड वेरी वेरी ग्रेट आफ्टरनून टू योर व्यूअर्स आल्सो सर। या सर जो है बहुत ही दोस्तों पुराने एक्सपर्ट प्रॉपर्टी के मास्टर हैं। So, बताइए सर, आज की लोकेशन हमारी कहाँ की है? लोकेशन है सामने आप पीछे जो देख रहे हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे है। देखिए, द बसेस आर गोइंग देयर, बसेस वहाँ पे चल रही है ऑलरेडी। ये पीछे मकान आपको दिख रहा होगा, मीटर इसके अंदर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग देयर। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें लाने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे प्रोजेक्ट में है। द प्रोजेक्ट नेम इज रनवे सिटी। रनवे सिटी जो है प्रोजेक्ट का नाम है। और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन में आपसे बात करूँ, इट इज इन मेवा नंगला, एंड जो रकबा पड़ता है दैट इज एक्चुअली टप्पल का। Okay. और जो जिला है दैट इज अगेन जो है टप्पल आ जाता है, एंड तहसील इज द दादरी। देख लो कि बड़ी कोठियां बनी पड़ी हैं। इट मींस कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बसावट है। यस ऑफ कोर्स, मैं आपसे हमेशा ही कहता हुआ आया हूँ जी कि जहाँ पे जंगल होता है वहाँ पे एप्रिसिएशन रेट स्लो होता है, बट जहाँ पे आबादी आ चुकी होती है, जैसे कि आप घर देख रहे होंगे ऑलरेडी द हाउस हैव बीन बिल्ट अप एंड पीपल आर रेजिडिंग ओवर देयर, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी जो है पीछे तक आप देखिए मंदिर इज अवेलेबल ओवर है, विच इज फंक्शनिंग। मस्जिद भी पास के अंदर ही है, जहाँ पे लोग बाग मस्जिद में जाते हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट एक्चुअली जो है कम्युनिटी से है। गेटेड आप देख रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गेट लगा के दूंगा, ऑलरेडी रनवे सिटी का गेट जो है वो लग चुका है। चलते सर प्लीज इनसाइड। तो चलते हैं फ्रेंड अंदर, दोस्तों देखिए दिखाते हैं अंदर का नजारा। पर मेन बात करता हूँ पहले, सिक्योरिटी क्या इंतजाम है सर? एंट्री गेट है एंड सेकंड एग्जिट गेट है, और यहाँ पे हमेशा जो गार्ड विल बी अवेलेबल ओवर है। क्योंकि फुल जो क्या बना हुआ है मतलब सर, दिस इज नॉट अ कंपाउंड, अगर आप सोचे या ऑफिस है कंपनी का। अच्छा। मैम बीजीसी ऑफिस का जो है, बीजीओसी बाबा ग्रुप ऑफ कंपनी का ऑफिस है। ओके। ये देखिए खूबसूरत अंदर ऑफिस बना रखा है, यहाँ पे छोटा सा ग्राउंड बना रखा है जी। ये पाइप वगैरह आप देख रहे हैं, पानी पड़ा हुआ देख रहे हैं ऑलरेडी जी। तो वाटर कनेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे पूरे में आ चुका है। यहाँ पे बर्ड्स वगैरह जो है वो है यहाँ पे, वहाँ पे रैबिट एक छोटा गार्डन के लिए बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा, वाह क्या बात है, इतना ब्यूटीफुल ऑफिस आपने बना रखा है कि दोस्तों आप आइए अपना मीटिंग कीजिए आराम से। दोस्तों यहाँ पर दूर से आते हैं, रश कीजिए आराम से। इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे जो रोड साइज है, मेन लिंक रोड और मेन रोड, कितने कितने फुट के हैं सर? सर यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ये जो रोड है, ये जो मेजर रोड है दैट इज 35 फीट रोड के, ये फीट के ये रोड बने हुए हैं। ओके ठीक है ना। इसके अलावा पेडेस्ट्रिक जो वे है, जैसे आप देखें तो पैदल चलने के लिए भी यहाँ पर है। ये वाला एरिया जी, ये वाला एरिया यहाँ पे आप पैदल चले अगर जैसे रश हो जाता है जी। अंदर जो सब रोड है दैट इज एक्चुअली ये 15 फीट और 18 फीट की रोड है यहाँ पे। क्या ऑलरेडी बाउंड्री हो गई है, आप देख रहे हैं कि लोग बाग रह रहे हैं यहाँ पे, यानी कि सर जाम लगने वाला नहीं है? नहीं जाम नहीं लगने वाला है, डिफरेंट एरियाज जो है अंदर से सब रोड दे रखे हैं। ये वाटर कनेक्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, चेक करते हैं दोस्तों, चला के पानी पर आइए। सो फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पर
पानी की सप्लाई दोस्तों पूरी मिलती है दोस्तों, पानी का इंतजाम पूरा आपको दिखाया हमने लाइव दोस्तों। देखिए ये हमारा पानी इस टाइम ऑन है, उनकी बेसिक और सिविक कम्युनिटीज के लिए जी। जो यहाँ पे आपको बताऊं कि ई रिक्शा प्लस शेयरिंग ऑटो दीज आर द अवेलेबल एट द बस स्टॉप। आते वक्त आपने टप्पल की मार्केट देखी होगी जी सर। प्लस वहाँ पे जो है SSP का जो है रेजिडेंट भी वहीं पर ही है, SSP का हाईटेक वो जो है थाना बन रहा है, आप पीछे उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कम्युनिटी सेंटर इज ओवर देयर जी, एवरीथिंग इज देयर। सर ये किसकी बाउंड्री है? ये एक्चुअली एडवोकेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं। ज्यादातर जो लोगों ने लिया है डॉक्टर्स ने लिया है, ब्यूरोक्रेट्स ने लिया है, मगर एक बात मैं आपको बताऊं, हमने पहला कंसेप्ट ऐसा निकाला है। आज की डेट में आप कहीं भी एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो कहते हैं 500 गज का प्लॉट ले लीजिए, 700 स्क्वायर यार्ड ले लीजिए। यहाँ पे 50 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट स्टार्टेड है, 500 स्क्वायर यार्ड की छोटा आदमी भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जब तो चलते हैं सर, अभी हम कौन से पॉइंट पर आ गए हैं? सर ये मिड ऑफ द एक्चुअली हमारे प्रोजेक्ट का पॉइंट है। आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर भी हम आगे एक्सपेंड करते हुए जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा वो जो सामने है वो यमुना एक्सप्रेस वे है जो कि चलती हुई जो गाड़ी आपको दिख रही है जी। यमुना एक्सप्रेस वे से हार्डली जो है 700 मीटर अवे है। हमारे दुनिया भर के IT जो है वो अब यहाँ पर आ रहे हैं, दुनिया भर के IT पार्क से यहाँ पर आ रहे हैं। जैक्सन कंपनी यहाँ पर जो है 70 लेकर आ रही है IT पार्क। तो अप्रोक्स अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ 25 लाख जो एम्प्लॉयमेंट है वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आ जाए। ओ माय गॉड। सर बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सुविधा की, मेन कौन से रोड यहाँ पर बने हुए हैं? सर मैं आपसे बात करूँ वो सामने यमुना एक्सप्रेस वे है, ठीक है सर। तो यमुना एक्सप्रेस वे जो मथुरा बस जाएगी, जो अलीगढ़ जाएगी, जो कहीं यहाँ से कनेक्टेड होके जाएगी, सारी की सारी यहीं पर ही यहीं से पास ऑन होके जाएगी। क्या बात। सामने जो है मोड़ के पर बस स्टॉप है, बस स्टॉप से हार्डली जो है वो 1.5 किलोमीटर है जी सर। वहाँ से ई रिक्शा, ठीक है ना, शेयरिंग ऑटो सारे के सारे अवेलेबल है जो 10 रुपए लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के सामने छोड़ते हैं। सर बात करते हैं बहुत ही बड़ी हैपनिंग की, उसे बोलते हैं एयरपोर्ट। सर वो एयरपोर्ट दूर कितना पड़ता है, तो उसका असली नाम क्या है? जी जो वो एयरपोर्ट है बहुत कम लोगों को मालूम है कि उसका असली शब्द नाम जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बोलते हैं। जेवर इज द एक्चुअली द प्लेस। जो एयरपोर्ट है उसका नाम है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके। और इसके अलावा जो है ग्रीनफील्ड एयर बस सर्विस सेंटर भी यहाँ पे बन रहा है कि ऑल ओवर जितने भी एशिया के हैं प्लेन्स हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं यहाँ पे, उनकी भी सर्विसिंग यहाँ पर हो सकती है। एयरपोर्ट का ट्रायल हो चुका है, फर्स्ट जो रनवे है वो स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड के अंदर पहले हम 4th नंबर पे थे मगर अब 3rd नंबर पे आ गए हैं क्योंकि 6 रनवे से ऊपर है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, गुड न्यूज़। बेस्ट है, बिगेस्ट एयरपोर्ट है जो कि सऊदी के अंदर है, सेकंड जापान में, 3rd। सर एयरपोर्ट के यहाँ पर रनवे स्टार्ट होने से सर रेट में कितना इजाफा होगा? सर मेन चीज एक बात और भी है कि हमने जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ये किया था लास्ट ईयर जी। हमने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 7,000 और 8,000 रुपीज प्राइस था जी। और एक साल के अंदर अंदर यहाँ पे जो हमारे प्राइजेस हैं दैट इज 16,500। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। यस, ओह माय गॉड, 200% जो है वो विद इन 1.5 ईयर टाइम फ्रेम के अंदर हुई है। और आप सोचिए अभी जो ट्रायल ऑफ सिर्फ 1 रनवे स्टार्ट हुआ है, जब 8 रनवे स्टार्ट होंगे तब क्या प्राइस होगा, यू कांट इवन इमेज। सो कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन पर्सनली? यस सर। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री? मोर देन 15.5 ईयर। ओह माय गॉड, 15 साल से काम कर रहे हैं आप? यस। सो यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट ना? आपको एक बात और कहना चाहता हूँ जी सर, टप्पल इज अ हॉट केक जी, दिस इज द हॉट केक। अगर जो खाना चाहता है टाइम से वो खा ले, अदरवाइज तो मेल्ट हो जाएगा ये। ओके, तो नाउ इट इज अप टू यू कि आप तुरंत खाते हैं या कैसे करते हैं। डोंट वेट टू इन्वेस्ट इन टू द रियल स्टेट, वेट आफ्टर यू परचेज इट। सर बताइए यहाँ पर बात करते हैं लीगलिटी के डॉक्यूमेंट की, क्या देंगे आप? कंपनी के नाम से सेल डीड है, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री कंपनी के नाम से तभी हम बेचना जो है इसको कर रहे हैं हम लोग। ओके। तो द पर्सन जो भी हमसे परचेज करता है, हम किसान से एग्रीमेंट करके नहीं बेचते हैं जी। पहले हम कंपनी के नाम से रजिस्ट्री करते हैं, उसके बाद फिर उनको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ 50% कस्टमर पे करे और उसके नाम से हम पोजिशन उसको दे देंगे प्लस रजिस्ट्री उसके नाम से कर देंगे, तो ही बिकम द एब्सोल्यूट ऑनर। ट्रांसपेरेंसी पूरी है। यस, एवरीथिंग इज ट्रू कूलर। एंड द सेकंड थिंग इज दिस ओनली कि यहाँ पर जो है bullek.com है, आप अपने फोन से, स्मार्टफोन से चेक कर सकते हैं कि किसके नाम से रजिस्ट्री, किसके नाम से। बहुत ही बढ़िया सर। व्हाट इज द फैसिलिटी ऑफ साइट विजिट? ऑफिस जो हमारा सेक्टर 70 में है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 61 का है। वी विल पिक फ्रॉम हिम देयर। ओके। एंड ऑफिस में बैठ के सारी चीजें समझा के फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है साइट विजिट है हम यहाँ पर लेकर आएंगे जी। सर बात करते हैं क्या प्लॉट अवेलेबल है EMI पे? सर EMI की फुल फॉर्म होती है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जी, ठीक है ना। तो हम जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ओके। मगर आप देख रहे हैं कि फुली डेवलप्ड है, लोग बाग रह रहे हैं, तो मैं कहूँ इसमें साल भर का टाइम हम देंगे, पॉसिबल नहीं है। हाँ, मगर जो हमारा अनाज मंडी वाला है वो अंडर डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर हम टाइम दे रहे हैं 1 से 1.5 साल। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों चीजें के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 1-2 साल का चाहता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे,
कि उसको अपने अनाज मंडी वाले प्रोजेक्ट में हम शिफ्ट। हाउ मच अमाउंट यू विल टेक फॉर बुकिंग द प्लॉट? 11,000 ओनली। आप 11,000 रुपए दीजिए, आपका प्लॉट होल्ड हो जाएगा जी। फिर हम विद इन वीक का टाइम देते हैं, उसके अंदर 50% पेमेंट कीजिए, तुरंत रजिस्ट्री हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। सर क्वेश्चन मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट सर, व्हाई ओनली हियर? राइट, दिस इज द राइट क्वेश्चन एक्चुअली। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि वर्बली बताने की जगह, ये देखिए जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर ये देख रहे हैं आप, जैक्सन एक कंपनी है जो कि यहाँ पर डाटा पार्क्स लेकर आ रही है। डाटा पार्क्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि जापान में गूगल यूज नहीं होता है जी, तो ऐसे ही जो डाटा है सारा का सारा वो गूगल के पास है, ऐसे ही डाटा पार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। डाटा पार्क का मतलब डाटा हब्स जी, तो वो यहाँ पे जैक्सन कंपनी लेकर आ रही है। देन अगेन यूएस कंपनी जो है वो 29 स्टेडियम्स यहाँ पे जो है बना के ला रही है। ओह माय गॉड, बना रही है स्टेडियम्स, 29 स्टेडियम। ये देखिए ये जो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि मोर देन 10,00,000 करोड़ रुपीज का जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें पतंजलि है, फूड पार्क है, पतंजलि हर्बल है इसके अंदर, इसके अलावा आईटी पार्क है, लेदर पार्क है, टॉय पार्क है, टॉय पार्क का मतलब टॉय हब है। इसके अंदर 45 करोड़ के नरसिंह मौजी यूनिवर्सिटी भी है जो बेस्ट है ऑन द वर्ल्ड, इसके अंदर एमबीए इंस्टीट्यूट्स के अंदर एमबीए की जो स्टडीज होती है उसके अंदर। इसके अलावा आप ये देखिए 17 कंपनीज है, ये आप देख रहे होंगे, जो कि 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। एयरपोर्ट अपने आप में एक लाइव एग्जांपल है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर है जो 700 एकड़ के अंदर आ रहा है, और कितनी सारी और कंपनीज हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करी बल्कि अपनी कंपनीज आ रही है। इसी वजह से इस एरिया को जो है न्यू गुड़गांवा कहा जाता है। दिस इज द बेसिक रीजन। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ वन लास्ट मैसेज टू बी इन्वेस्टर्स कि वो कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। एक तो अपकमिंग चीजें वहां पे क्या है, और दूसरा लीगैलिटी का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पेपर्स हैं वो कंपनी के नाम से रजिस्ट्री है, ठीक है सर, ठीक है ना। सो वी बिकम द एब्सोल्यूट ओनर बाय द वर्च्यू ऑफ द सेल डीड, देन ओनली वी कैन एक्चुअली मेक अ रजिस्ट्री टू अदर नेम। हम लोग ने एग्रीमेंट पे नहीं ले रखा है। सेम ये वाला और जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट, अपकमिंग जो है हमारा अनाज मंडी के पास। राइट सर, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर टाइम दिया है सर। और थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू फॉर अ न्यू स्वीट लोड बाय बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज। या डेफिनेटली सर।